So hello everyone, welcome to my channel Commerce Notes. आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि सिक्सटीन मार्क्स में आपको पूछा गया है बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है तो आने के चांसेस हैं इसके तो आ जाएगा कैसे करना है इस वीडियो में हम समझते हुए चलेंगे इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स सिक्सटीन मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर बेस्ड किए हुए हैं अगर आपने नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाके उन सबको देख सकते हैं सारे वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रिपीट हुए आए हैं तो आप क्या कम टाइम में उन्हें करके कवरअप करके आ, पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं अपने मार्क्स को ठीक है तो हम समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स और उनके ऑपरेशंस तो बेसिकली हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है इस पर डिटेल वीडियो कवर अप कर ली है इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताया है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम उसके एडवांटेजेस लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस पूछा था तो हमने वो किया अब आपको एक अलग से क्वेश्चन आया कि बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं और उनके ऑपरेशन आपको बताने हैं तो इस वीडियो में हम ये कवर अप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि और भी सेमेस्टर्स के हमने यहाँ पे क्या है चैप्ट, ये भी चैप्टर ये प्रीवियस किए हैं तो आप आ, ये चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं चैनल को देख सकते हैं ठीक है विजिट कर सकते हैं और आपको चैनल को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी ये सब्जेक्ट है सो लेट स्टार्ट द वीडियो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जिसे हम ओ एस भी बोलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये होता क्या है कि इसमें ना कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का नेटवर्क रिसोर्सेज का जो क्या है ऑटोमेटिकली ऑफिस के टास्क करता है जो कि डे टू डे कॉमन टास्क होते हैं इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो डाटा इसके थ्रू कम्युनिकेशंस बढ़ा सकते हो अच्छे लेवल पे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हो एंड बिजनेस ऑपरेशंस कर सकते हो जो आप ही की इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर मैनुअल वर्क को कम करता है और टाइम आपका कम करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के तो हम देखते हैं और उनके साथ उनके ऑपरेशन भी देखते हैं सो so, सबसे पहला है हमारा डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑपरेशन की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए डाटा को फिर रिट्राइव करने के लिए डाटा को एंड मैनेज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिस डाटा जो है जैसे फाइल हो गया डॉक्यूमेंट हो गया रिकॉर्ड हो गया कस्टमर इन्फॉर्मेशन हो गया ये आपको अलाउ करता है कि आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस डाटा को और उसे सिक्योर कर सकते हैं अब इसके फीचर की बात करें तो जैसे डाटा बेस हो गया ये सेंट्रल सेंट्रलिट्री होती है जहां पे सारा का सारा डाटा स्टोर होता है और ये अलाउ करता है आपको कि आप इजीली यहाँ से क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो या फिर रिट्राइव कर सकते हो फिर है इसके अंदर की फीचर में ही क्लाउड स्टोरेज तो ये ऑनलाइन स्टोरेज सॉल्यूशन होती है जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया ठीक है ये अलाउ करती है कि आप डाटा को शेयर कर सकते हो और बैकअप भी बना सकते हो उसका नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डी ये सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्टोर करने में और मैनेज करने में डॉक्यूमेंट को एग्जांपल देखें इसका तो जैसे एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सेव कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं फाइल्स को क्विकली तो मल्टीपल पीपल यहाँ पर कैलोबोट कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में उसे अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम और विदाउट द नीड ऑफ पेपर कॉपी तो यहाँ पर पेपर कॉपी की ज़रूरत नहीं है तो हमने क्या देखा डाटा स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम सेकेंड अगर हम बात करें कंपोनेंट की तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम तो इसका काम क्या है ऑपरेशन क्या है कि ये जो सिस्टम है ना ये मैनेज करता है जो भी इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ऑफ़िस की अंदर ठीक है ऑफिस के अंदर विद इन द ऑफिस ये हेल्प करता है सेंड uh, करने में ई मैसेज कंडक्ट करता है वर्चुअल मीटिंग्स और कोलबोरेशन थ्रू शेयर्ड प्लेटफॉर्म तो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को मैसेज भेजना है ई करनी है मैसेज करना है वर्चुअल मीटिंग करनी है तो वो इसकी हेल्प से कर सकती है ई मेल सिस्टम आ गया इसके अंदर ठीक है जैसे जी मेल वगैरह हो गया देन इंस्टेंट मैसेज एंड चैट टूल्स होते हैं कुछ ठीक है ऐप्स वगैरह होते हैं जिससे आप क्या है तुरंत मैसेज को रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स भी आ जाते हैं लाइक जूम वगैरह हो गया फिर एग्जाम्पल देखते हैं ई मेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता ऑफिस को कि वो क्या है स्केड्यूल स्कड्यूल uh, कर सकता है कोई रिसीव कर सकता है ई मेल सेंड कर सकता है कुछ भी वाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जैसे जूम हो गया वो अनेबल करता है कि आप क्या है जूम मीटिंग कर सकते हो ठीक है जिससे क्या है आपका जो टाइम है वो कम uh, मतलब बच जाएगा इधर उधर ट्रैवल करने में आप सीधा जहाँ बैठे हो वहीं से क्या कर सकते हो uh, बातचीत कर सकते हो तो कॉस्ट भी कम लगती है थर्ड कॉम्पोनेंट आ गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इसका काम क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्रिएट करे एडिट करे और प्रिंट करता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को ये अलाउ करता है यूज़र को टू फॉर्मेट टेक्स्ट एड इमेज़ की आप क्या है टेक्स्ट का कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो इमेज uh, को ऐड कर सकते हो टेबल ऐड कर सकते हो ठीक है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में फिर ये बना सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो इसके फीचर क्या होते हैं टेक्स्ट एडिटिंग आपको ये अलाउ करता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया ठीक है कलर कर सकते हो मार्जिन छोड़ सकते हो ये सब टेम्पलेट्स होते हैं इसमें प्री मेड फॉर्मेट्स होते हैं जो आप लगा सकते हो अपनी रिपोर्ट्स में लेटर्स में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है गूगल डॉक है ये अनेबल करता है अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो क्रिएट कर सकता है फॉर्मेट कर सकता है शेयर कर सकता है डॉक्यूमेंट को ईजिली ठीक है स्पेलिंग इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रामिक जो भी ग्रामर आपके मतलब अगर कोई भी एरर आ रखा है वर्ड में ठीक है तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो नेक्स्ट है फिर हमारा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हेल्प करती है आपको ऑर्गेनाइज़ करने में कैलकुलेट करने में और एनालाइज़ करने में जो भी न्यूमेरिकल डाटा है ये क्या है यूज़ किया जाता है जब हमें बजटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करनी है कोई रिपोर्ट इसमें अगर की फ़ीचर्स आ गए तो डाटा ऑर्गेनाइज करता है या आपका इसमें बहुत सारे फार्मूला फंक्शन होते हैं जो आपको क्या है हेल्प करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसके थ्रू कर सकते हो जिससे विजुअली और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल इसका एग्जाम्पल है गूगल शीट इसका एग्जाम्पल है जो कि बजट फाइनेंशियल रिपोर्ट इन्वेंट्री लिस्ट इन सबको बनाने में क्या है हेल्प करता है फिफ्थ आ गया आपका प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप क्रिएट कर सकते हो विजुअल प्रेजेंटेशन बिजनेस की मीटिंग के लिए ट्रेनिंग सेशन के लिए रिपोर्ट में ठीक है ये टूल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप टेक्स्ट इमेजेस वीडियोज ग्राफिक्स क्या है अपने आ, मतलब ऐड कर सकते हो फीचर क्या है स्लाइड क्रिएशन आप स्लाइड जैसे पीपीटी होती है ना एनिमेशन इसमें कर सकते हो फिर है एग्जाम्पल तो पावर पॉइंट इसका क्या है बेस्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट आ गया स्केड्यूलिंग एंड कैलेंडर सिस्टम तो इसमें आप स्केड्यूलिंग सिस्टम ऑटोमेट करता है जो भी प्लानिंग है स्केड्यूलिंग है मीटिंग्स की अपॉइंटमेंट है टास्क है ये टूल यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय के स्केड्यूल्स को एंड बुक करने के लिए मीटिंग सेट करने के लिए कोई रिमाइंडर है या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम टास्क को इसके फीचर की बात करें तो लाइक टास्क मैनेजमेंट ठीक है जो ऑलो करता है क्रिएट करने में असाइनमेंट क्रिएशन मतलब क्रिएशन में असाइनमेंट में ट्रैक करने में टास्क को फिर इसमें मीटिंग स्केड्यूलर होते हैं जो कि आपकी मीटिंग को सेट करते, है, करते हैं स्केड्यूल्ड मीटिंग करते हैं नेक्स्ट है फिर इसमें आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो फिर है कैलेंडर इंटीग्रेशन इसमें क्या करते हो कि लाइक टीम कैलेंडर ठीक है इसमें होता है फिर एग्जाम्पल है जैसे गूगल कैलेंडर हो गया उसके बाद आता है आपका सेवन्थ कॉम्पोनेंट ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सूट्स तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सूट्स होते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल टू टूल्स को एक ही पैकेज में प्रोवाइडिंग वर्ड प्रोसेसिंग हो गया स्प्रेडशीट मैनेजमेंट हो गया प्रेजेंटेशन ये सभी दे देते हैं ठीक है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर ऑल इन वन टूल है कंबाइन करता है वर्ड प्रोसेसिंग को ई को स्प्रेडशीट को इंटीग्रेशन इसमें क्या है सारे के सारे एक ही जगह पे हैं कोलेब्रेशन टूल है सारे एक ही जगह पर क्या है काम कर सकते हैं एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक सब आ जाता है फिर एट है हमारा डेस्कटॉप पब्लिकेशन सिस्टम पब्लिशिंग सिस्टम तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम में ऑपरेशन क्या है इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है डिजाइन करने में प्रोड्यूस करने में कोई भी प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट है जैसे कि ब्राउचर हो गया ना न्यूज सेलेक्टर्स हो गए ये सब पोस्टर्स हो गए ये सब तो इसके फीचर क्या हैं तो ये लेआउट डिज़ाइन करता है ठीक है ग्राफिक इंटीग्रेशन करता है इमेजेस वगैरह इमेजेस को डॉक्यूमेंट में ना इंटीग्रेट करता है इमेजेस और डिज़ाइन को डॉक्यूमेंट में टैम्पलेट्स ये प्रोवाइड करता है आपको कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो क्या है आप इजीली फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो तो एग्जाम्पल दे रखा है आप पढ़ सकते हो फिर है वॉइस प्रोसेसिंग एंड रिकगनाइजेशन सिस्टम वॉइस प्रोसेसिंग रिकोगनाइजेशन या वॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम ऑटोमेट करता है टास्क को थ्रू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वॉइस मेल एंड ऑटोमेटेड आंसरिंग सर्विसेज जैसे कि आपने कुछ जैसे अब यूट्यूब में अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम क्या है वॉइस से भी वो कर सकते हैं ना बोल सकते हैं तो अपने आप वो चीज़ क्या है आ जाएगी तो इससे क्या होता है हेल्प होती है रिड्यूज़ होने में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन है कॉम्युनिकेशन में आप सीधा वॉइस uh, रिप्रोसेस कर सकते हो इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है की फ़ीचर की बात करें तो सबसे पहले आ गया वॉइस ई सिस्टम हो गया जो क्या है रिकॉर्ड और रिट्रेवल कर सकता है वॉइस मैसेज़ की स्पीच रिकोगगनाइजेशन आ गया जो कन्वर्ट करता है स्पोकन वर्ड को टेक्स्ट में आपने व्हाट्सअप में ऑप्शन uh, देखा होगा स्पीच रिकोगगनाइजेशन का आप बोलोगे तो वो सारा क्या है टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर सामने वाले को सेंड अप कर सकते हो फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड करता है प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं ये जो आपने इनपुट डाला होता है एग्जाम्पल देखा है देख लो यहाँ पे वॉइस रिकोगनाइजेशन टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं कुछ फिर हम फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है ना ये इंटीग्रेट करके रखता है मल्टीपल कॉम्पोनेट्स को जैसे डाटा स्टोरेज हो गया कॉम्युनिकेशन टूल हो गए वर्ड प्रोसेसिंग हो गया स्प्रेडशीट हो गया स्कीड्यूलिंग हो गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो, हो गया ठीक है ये क्या है ऑफिस टास्क को बहुत ईजी कर देता है आप ही की इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस करता है मैनुअल काम ये जो सिस्टम है ये बनाया गया है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को और अच्छी तरीके से करने के लिए कैसे रेपिटेटिव जो भी टास्क होते हैं ये ऑटोमेटिंग हो जाते हैं जिससे बेटर ये क्या है आपको बेटर कम्युनिकेशन के लिए भी क्या है हेल्प करता है एंड इससे इम्प्रूव होता है आपका ओवरऑल वर्क फ्लो जो भी ऑफिस इन्वायरमेंट में हो रहा है ठीक है तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया जिसमें हमने क्या है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स पढ़े तो होप आपको समझ आया अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आप देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोज़ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सिक्सटीन मार्क्स के तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो